like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. मोलर वॉल्यूम एंड स्टोइकोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन याद करने से पहले मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन पहले भी सिखाई थी मोलर मास। और मैंने कहा था मोलर मास का मतलब क्या है, जस्ट मास ऑफ वन मोल। सिमिलरली इसी तरह से आप वॉल्यूम को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ वन मोल। अब इसकी कुछ कंडीशन भी हैं साथ, इंशाल्लाह इसकी डिटेल चैप्टर थ्री में भी आएगी। एक तो इसकी वैल्यू फिक्स है, आपने साथ बतानी है, जैसे एवोगैड्रो की हमने पढ़ा था वैल्यू फिक्स है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। और दूसरा ये गैसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी इसमें जब आपने एग्जांपल देनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एग्जांपल गैस पोर्शन से दे रहे हैं। और एसटीपी कंडीशन पर देनी है। एसटीपी कंडीशन मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम आमतौर पर यूज़ करते हैं 180 एटीएम प्रेशर और टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 20 वो रूम टेम्परेचर होता है डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो चैप्टर थ्री में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इसको केल्विन में चेंज कर दें देन इसको 273 केल्विन कहते हैं। ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है किसी चीज़ के स्टडी करने का, इसको हम कहते हैं एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इस कंडीशन को मेंटेन करके हमने ये स्टडी करना था। सो डेफिनेशन लुक एट the definition of molar volume, volume of one mole, जैसे मैंने आपको molar mass में बताया one mole की बात करें, volume of one mole of any gas at STP, यानी standard temperature and pressure 180 while टेम्परेचर इज 0 डिग्री। इज कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। इट्स वैल्यू इज 22.414 dm³। ये वैल्यू बेटा इसकी फिक्स है। और dm³ जो होता है इसको आप अपनी जुबान में लीटर भी कह सकते हैं, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है वो 1 लीटर के ही इक्वल होता है। जब आप कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे कि दूध वगैरह बाजार से लेने जाते हैं तो जो अगर आप कहते हैं ना 1 किलो 2 किलो, वो गलत होता है इसका यूनिट, वो 1 लीटर 2 लीटर होता है। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि 1 लीटर में कितना वॉल्यूम है। और केमिस्ट्री के अंदर 1 लीटर का दूसरा यूनिट 1 डेसीमीटर क्यूब, सो तकरीबन 22.5 लीटर ये बन रहा है, ऑलमोस्ट 22.414। यानी इतना बड़ा वॉल्यूम जो होता है उसको केमिस्ट्री के अंदर हम मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, 2-4 एग्जाम्पल्स याद करनी है। डेफिनेशन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एंड इट्स वैल्यू इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नाउ अब हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब चूंकि हमने बात की है वन मोल की, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.016 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन,
ये जो मैंने मास लिखा है ये इसका मोलर मास है H2 का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, एटम का नहीं, दोनों एटमों का, ये इसका मोलर मोलर मास कहलाता है। सो इसको अब आप क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और आपको पता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक गैस में है, गैस फॉर्म में। अगर बेटा ये 1 मोल है तो ये हमने पहले पढ़ा है उस वक्त इसका मास इतना होगा। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैं बात करता हूँ उसके एवोगाड्रो नंबर्स कितने हैं, तो 1 मोल के लिहाज से आप कह सकते हैं इसके मॉलिक्यूल नॉट एटम 6.022×10⁻²³ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मौजूद है। तो स्पेस ऑक्यूपाई कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, और वो होगा 22.414 dm³। क्यों मैंने इतना लिखा, अभी डेफिनेशन बताई है कि अगर कि कोई भी गैस है, देखें कोई सॉलिड लिक्विड एग्जांपल नहीं देनी इसमें, याद रखना है कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम फिक्स है अगर 1 मोल है तो। जैसे मैंने आपको ये बताया था मेरे पास 2 मोल्स है, मास भी बढ़ जाएगा, 2 मोल्स के पार्टिकल्स भी बढ़ जाएंगे और 2 मोल्स का वॉल्यूम भी उसमें क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। 4 मोल्स के लिए 4 टाइम बढ़ जाएगा, 10 मोल्स के लिए 10 टाइम बढ़ जाएगा, 0.5 मोल्स के लिए 0.5 हो जाएगा, दिस एंड दैट। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मोल के लिहाज से हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एवोगाड्रो नंबर, अगर आपको याद हो कल मैंने जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल, आई मीन एटम आइंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल। सो पार्टिकल्स किस पे डिपेंड करे, मोल पे, 1 मोल है तो पार्टिकल 6.02, 2 मोल्स है पार्टिकल डबल है। तो आज पता चला कि यही मोल वॉल्यूम भी इसी पर ही डिपेंड कर रहा है, 1 मोल है गैस का तो वॉल्यूम 22 है, 2 मोल्स है तो वॉल्यूम 44 हो जाएगा, 4 मोल्स है तो वॉल्यूम 88-89 पे चला जाएगा। इस तरह से ये दोनों चीजें यानी एवोगाड्रो नंबर और वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा किस पे डिपेंड करेगा, मोल पे, मास पे नहीं करेगा। और ये अदर एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास तो मीथेन गैस है, अब मीथेन CH4 होता है, मास आपके जेहन में फौरन आ जाना चाहिए 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस, रिमेम्बर दैट, ये इस वक्त कहलाएगा 1 मोल ऑफ CH4। इसका मतलब इट कंटेन 6.022×10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस, इंडिविजुअल पार्टिकल के नहीं, हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, यू कैन से दैट इट कंटेन 22.414 dm³ ऑफ मीथेन गैस। और ऊपर वाली और नीचे वाली एग्जांपल में किस चीज का फर्क आया, सिर्फ मास का, क्योंकि मास हर गैस का अपना होता है, लेकिन अगर उन दोनों के एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है जी, मोल कॉमन है, मोल इक्वल है तो उनके मॉलिक्यूल भी इक्वल है, नो डाउट उसका वेट कम ज्यादा हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूल तादाद क्वांटिटी बराबर है ड्यू टू इक्वल मोल, और वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई भी इक्वल होगी, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें, सपोज मेरे पास है 44 ग्राम ऑफ CO2, अब आपको बताइए इसका मोलर मास है, 44 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब आप इसे कहेंगे 1 मोल ऑफ CO2, इसका मतलब आप कहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स 10⁻²³ मॉलिक्यूल जो है किसके ऑफ CO2 के, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना 414 dm³। एंड वी हैव अनदर गैस, कोई भी गैस आप स्टडी कर ले, O2 को स्टडी कर ले, O2 ऑक्सीजन, उसका 32 ग्राम होता है 2 एटम्स का मॉलिक्यूल के फॉर्म में, 32 ग्राम ऑफ O2 1 मोल है, अगर 1 मोल है तो पार्टिकल्स किसके इक्वल होंगे, एवोगाड्रो के, और बेटा वॉल्यूम किसको इक्वल होगा 22.414 dm³। तो इससे हमें पता चला कि हमारा वॉल्यूम भी एवोगाड्रोस की तरह मोल्स पे डिपेंड करता है, मैसेज पे नहीं। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर, तो वहां पर एक चीज उसने स्टडी की हुई है कि जो वॉल्यूम है वो बेटा मोल्स पे डिपेंड करता है, मैसेज पे डिपेंड नहीं करता।
फॉर अवे है, उसकी रीजन क्या है? एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप बात आपने याद रखनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज 300 times डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका क्या इससे समझ आए स्टेटमेंट कि अगर मेरे पास सपोज एक कंटेनर में गैस है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, तो जो इसका डायमीटर बनेगा ये वाला, तो इस डायमीटर के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस होगा वो तकरीबन 300 times उससे ज्यादा होगा। यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतने ही डायमीटर के 300 मॉलिक्यूल्स और रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा गैप है, इसलिए याद रखें कभी भी वॉल्यूम मैस से अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मेरी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो मैसेज हैं या साइजेज हैं मॉलिक्यूल्स के, वो वॉल्यूम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वॉल्यूम हमारा ऑलमोस्ट 1 मोल के लिए तमाम गैसेस का सेम होता है, इसलिए हमने उसकी एक फिक्स वैल्यू रखी हुई है। तो ये इसको आपने बेटा 300 को जहन में रखना है, ये वैल्यू आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। जी बेटा, इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो सकती है क्योंकि ये छोटी सी एग्जांपल है। अ वेल नोन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, इट्स मास कम्स आउट 0.72 ग्राम, व्हाट इज मोलर मास? तो अगर मैं इसका डाटा निकालूं तो मुझे क्या समझ में आ रही है? वो कहता है कि एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो मास निकल रहा है, बन रहा है, वो है 0.72 ग्राम्स। और वो कहता है व्हाट इज मोलर मास। कितनी हैरत वाली बात है कि मोलर मास आम तौर पर हमें खुद ही पता होता है। मैं कहता हूँ जी ऑक्सीजन गैस, आप कहते हैं 32। मैं कहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहते हैं 44। मैं कहता हूँ मीथेन गैस, आप कहते हैं 16। मैं कहता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, आप कहते हैं 28। यानी मोलर मास हमें खुद पता होता है, लेकिन जब वो कहे कि गैस ही अननोन है, ना तो हमें पता चले वो उसका फॉर्मूला क्या है, तो कैसे बताएंगे मास उसका मोलर मास? फिर मोलर मास तो निकालना पड़ेगा। तो उस तरह का एक न्यूमेरिकल है कि अननोन गैस है। दूसरे लफ्ज में आप यू कह लें कि अगर आंसर 44 आ जाता है तो आप फौरन कहेंगे ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर 32 आ जाता है आप फौरन कहेंगे ऑक्सीजन गैस। यानी मोलर मास से आपको गैस के नाम का भी पता चल सकता है, ये कॉन्सेप्ट देता है हमें ये न्यूमेरिकल। सो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई है कि मोलर वॉल्यूम क्या चीज होती है। बेटा मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 22.414। इसको यूज करते हुए हम मोलर मास की तरफ मूव करेंगे। सो सॉल्व, चूंकि आप लोगों को वॉल्यूम उसने दिया हुआ है, एक चीज जरा वापस आइए, ये वॉल्यूम जो है इसको आपने लिखना है, थोड़ा सा बुक से चेंज करें, 0.5 dm³, आधा लीटर है ये। ये आप याद रख लें जो बेटा 1 dm³ होता है वो 1000 cm³ में होता है, और अदर यूनिट्स अभी मैंने पीछे भी बताया ताकि आप कहीं ना कहीं याद रखें। 1 लीटर, इसको 1 मिलीलीटर भी आप कहेंगे, 1000 सॉरी 1 मिनट जी, आप देखिए इसको आप 1000 मिलीलीटर भी कहेंगे। इसका क्या पता चला कि 1 लीटर 1 dm³ को कहते हैं और 1 मिलीलीटर 1 cm³ को कहते हैं, इनका आपस में 1000 का डिफरेंस है। सो आपने 500 को एक सेपरेटली 1000 से ना डिवाइड कर लेना, तो इसका मतलब 500 का मतलब आपके पास आधा लीटर है, हाफ लीटर, 0.5 dm³ वॉल्यूम है, हमने इसको यूज करना है, वो डबल यूनिट से आप परेशान हो जाएंगे। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि बेटा आपने यूज करना है, सॉरी आपने कैलकुलेट करना है मोलर मास, और मोलर मास का फॉर्मूला
कहाँ से आपने जो है वो याद किया हुआ है, पिछले टॉपिक है मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अगर आपने मोलर मास फाइंड करना है तो आपको तो मोल्स भी चाहिए, आपको मास भी चाहिए। अब हमें डेटा में तो सिर्फ क्या प्रोवाइड किया गया बेटा, मास 0.72 मोल्स नहीं। सो पहला टारगेट हमारे जहन में आ गया, भाई हमने तो मोल्स फाइंड करने हैं। अब हम ये बात फिर यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि वॉल्यूम की मदद से मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर मेरे पास 1 मोल है तो बेटा कितना वॉल्यूम होता है, 22.414। आई विल रिपीट, ये बात आपके जहन में बैठनी चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.414। कन्वर्जली, कन्वर्जली का मतलब क्या, वी नो दैट 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम जो है बेटा कंटेन्स मोल कितने, 1। अभी जो मैंने बात बोली उसको उल्टा करके लिख दिया, यानी 1 मोल के अंदर वॉल्यूम होता है 22.414। सो 22.414 वॉल्यूम के अंदर फिर कितने मोल्स होंगे, 1 मोल होगा। अब अगर मैं ये कहता हूं नहीं मेरे पास तो वॉल्यूम 1 dm³ था, 1 dm³, उसमें कितने मोल्स बनेंगे, मैथ का रूल है, यूनिट रूल वाला ये पॉइंट है। अब आप इधर वाली वैल्यू को जाकर डिवाइड कर देंगे, 22 के लिए 1 है तो 1 के लिए 22 जाके डिवाइड हो गया। अगर मैं कहता नहीं भाई मेरे पास तो 0.5 dm³ है, इसमें मोल्स कितने निकलेंगे, 1/22414 × 0.5, और हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.0223 मोल्स, 0.0223 मोल। तो पता चला कि 1/2 लीटर ये अननोन जो गैस है इसका अगर वॉल्यूम हमारे पास 1/2 लीटर हो तो उसमें मोल्स निकलते हैं 0.0223 मोल। सो मोल तो हमारे पास आ गए। अब हम वो जो मैंने आपको साइड पे फॉर्मूला मेंशन किया है वो आप यहाँ पर यूज करें, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास बेटा 0.0223, मास है 0.72 जैसा कि डाटा में दिया गया है, और मोलर मास आपने क्या करना है, फाइंड करना। इसको रीअरेंज करेंगे तो बेटा मोलर मास दूसरी साइड पे चला गया, 0.72 को 0.0223 से डिवाइड करें। कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसका आंसर जरा कंफर्म कर लीजिएगा। मोलर मास इसका निकलता है 32 g/mol। ओहो, सो आप कह सकते हैं गिवन अननोन गैस इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले एक छोटी सी बात फिर क्लियर कर दूं, अक्सर मैंने पेपर में देखा है बच्चे जल्दी में इसमें लिख देते हैं भाई ये सल्फर है, क्योंकि सल्फर का मास भी तो 32 ही निकलता है ना, मोलर मास आप लोग पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि सल्फर सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर में येलो कलर का सॉलिड होता है, हमें तो गैस चाहिए, तो इसलिए जरा नाम सही रखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, उसमें से भी वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने तैयार करना है, वो बेटा स्टोइकोमेट्री। कोई इसे स्टोइकोमेट्री, कोई स्टोइकोमेट्री, कोई स्टोइकोमेट्री कहता है, जैसे आपको इजी केमिस्ट्री इस चीज को बोदर नहीं करती कि आप बोल कैसे रहे हैं, आपको सही स्पेलिंग और आइडिया होना चाहिए। स्टोइकोमेट्री बेटा ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, जो बकायदा हमें रिलेशन देती है, बताती है, आइडिया देती है किस किस के दरमियान, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन जो होती है उस चीज का आइडिया होना चाहिए। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसका आपने डेफिनेशन याद करनी, जो बाद में कहीं दरमियान में एडजस्ट की हुई होगी पेज 17 में आपकी बुक में, वो आप पहले लिखेंगे।
इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. Which provides या gives us a quantitative, ये word सेम में रखिएगा, qualitative नहीं quantitative relationship between reactants and products. जी बेटा, तो बात क्या कर रहे थे कि ये एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का हमारे पास आ गया जो बकायदा रिएक्शंस के अंदर हमें क्वांटिटेटिव रिलेशन देती है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट की क्वांटिटी मौजूद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, कोई क्वांटिटी रिएक्टेंट की है तो हम उसकी मदद से, रिएक्शन की मदद से ये बता सकते हैं इससे प्रोडक्ट इतने ग्राम्स या मोल्स पैदा हो सकते हैं. ये ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट है, दो ही यूनिट ज्यादातर हम यूज करते हैं, ग्राम्स और मोल्स. तो इतने ग्राम्स या मोल्स प्रोडक्ट के हैं तो उनकी मदद से हम बता सकते हैं कि ये हमारे इतने रिएक्टेंट इसमें रिक्वायर्ड है, ये चीज हमें बताती है. फर्दर इसको एलेबोरेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल भी सिलेक्ट कर सकते हैं. लेट सपोज वी हैव H2 प्लस O2 गोज टू गिव अस H2. और ये कंडीशंस भी आगे आएंगी कि कोई भी क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टडी करना है तो आपके पास जो भी रिएक्शन होगा वो बैलेंस होना चाहिए. और आपको ये भी पता है इसके जो लेफ्ट साइड पर मैंने चीज लिखी है, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. लोअर क्लासेस में ये चीज आप पढ़ चुके हैं. और इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. और ये इस वक्त एक्यूरेट रिएक्शन नहीं है. एक्यूरेट कब होगा, जब आप इसको बैलेंस करेंगे. टू लगाया मैंने, बैलेंस किया ऑक्सीजन के एटम्स को, तो इधर भी डबल करना पड़ेगा. अब ये बिल्कुल इक्वली बैलेंस्ड है. अगर मैं, अब देखिए क्वांटिटेटिव रिलेशन कैसे बन रहा है, मैं इनके मोलर मैसेस को यूज कर रहा हूँ. अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के 2 moles हैं, एक एटम फिर उस H2 फिर उसका H2 का डबल है, तो टोटल फिर इस वक्त हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, 4 gram. और ऑक्सीजन के O2 का जस्ट 1 mole है, यानी 32 gram. तो कितना मैस मैंने ऐड कर रहा हूँ रिएक्टेंट का, 4 gram हाइड्रोजन का और 32 gram ऑक्सीजन का. तो इसका मतलब टोटल 36 gram प्रोडक्ट बनना चाहिए. जी बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास वाटर का मोलर मैस होता है 18 2 moles है, तो 36 gram इससे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर. सो अगर हमारे पास 36 अननोन हमें नहीं पता तो हम रिएक्शन की मदद से बता सकते हैं, या अगर हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी पहले ही मौजूद है तो उससे हम रिएक्टेंट बता सकते हैं कि इतना प्रोडक्ट पैदा करने के लिए, जैसा कि ये लिखा हुआ 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए हमें तकरीबन 32 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, दिस एंड दैट. तो इस तरह से कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है तो हम उसकी मदद से दूसरे की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री. Another short question, बहुत ही important, paper में बहुत दफा repeat हुआ बेटा, what are the conditions of stoichiometry? इसको assumptions भी कहते हैं. Assumptions, you know that assumptions, assume से derive किया गया. Assumptions basically ऐसी terminologies होती हैं जिनको हम suppose कर लेते हैं, assume कर लेते हैं, in future ऐसा होना चाहिए, और वो होती ठीक है. अगर वो वैसा ही हो तो बात ठीक होती है, अदरवाइज गलत होती है. जैसे कि इसकी पहली अजम्पशन जो है, अज्यूम की गई बात जो है वो ये है कि ऑल रिएक्टेंट्स शुड कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, फिर बात सही होगी. इसका क्या मतलब, ऊपर वाली एग्जांपल देखिए. अगर मैं कहता हूँ मेरे पास तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, मेरे पास तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है, मैं ऑक्सीजन कहता हूँ सारा नहीं यूज करता, मैं 16-17 ग्राम 20 ग्राम यूज कर लेता हूँ, बाकी मैंने कहा जी पीछे रख लूं. मुझे बताएं क्या 36 ग्राम एक्यूरेट वाटर बनेगा, नहीं बनेगा, कम अमाउंट बनेगी. अगर मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे इतनी अमाउंट लिख रहा हूँ तो लैब में जाकर जब उसका प्रैक्टिकल करूंगा तो उतनी अमाउंट होनी चाहिए, फिर वो सही प्रोडक्ट बनेगा. सो इसके लिए मुकम्मल अमाउंट रिएक्टेंट की लैब में भी बकायदा जब प्रैक्टिकल हो वो किस में चली जानी चाहिए, प्रोडक्ट में चली जानी चाहिए.
सो यहाँ से एक मेरे जहन में बात आ गई है, इन्फर निकाला है, अचानक आया है, मैंने कहा चलो अपने स्टूडेंट से शेयर कर लूँ। ये आपने मेन टॉपिक में याद करके नहीं लिखना, अपने नॉलेज के लिए लिखना है। नॉट एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस आपको पता है जिसमें कभी भी रिएक्टेंट खत्म नहीं होते, यानी उसमें रिएक्टेंट्स कुछ प्रोडक्ट में जाते हैं और वही प्रोडक्ट वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो रिएक्शन तो कंटेनर के अंदर चल रहा होता है, तो कभी भी रिएक्टेंट खत्म नहीं होते, वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में जाते ही नहीं, तो कैसे फिर आप उसकी अमाउंट निकाल सकते। उस पर फिर इस तरीके से आप एक्यूरेट अमाउंट निकालने के लिए स्टोइकोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। जी बेटा, दूसरा है साइड रिएक्शन। नो साइड रिएक्शन, हिडन रिएक्शन, सीक्रेट रिएक्शन। आप जिस जगह पर ये काम कर रहे हैं, लैब है आपके पास, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर किसमें कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने ये भी बताया, अभी मैंने ऊपर रिएक्शन बताया, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन 1 mole ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 moles ऑफ वाटर, और मैंने क्वांटिटी भी बता दी। अगर मेरे पास वहां पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 32 gram ही थी, ये मैं रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, H2O2 2H2O, ये 36 gram, सॉरी किधर है, ये बेटा 4 gram, ये 36 gram, और फिर मिस्टेक हो, ये बनेगा 36 ग्राम। ये तो एग्जैक्ट अमाउंट हमने ले ली। अगर मैंने जब प्रैक्टिकल करवाया तो मुझे पता ही नहीं चला वहां पर उस एटमॉस्फेयर में, उस जगह पर जहां हाइड्रोजन जला रहा हूं, बर्न कर रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, उस एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं नाइट्रोजन भी छुपी हुई थी, हवा में मौजूद थी, मैंने उसको क्लियर स्पेस नहीं किया, तो मैंने एग्जैक्ट वहां पर ऑक्सीजन 32 ग्राम रखी, लेकिन उसकी कुछ अमाउंट नाइट्रोजन से मिलकर उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर रही है, तो उससे सो ये क्वांटिटी इसके अंदर भी यूज हो रही है, मुझे ये रिएक्शन नजर नहीं आ रहा लेकिन हो रहा है, सो ऑक्सीजन तो उधर भी यूज होगी, और तो ऑक्सीजन ही नहीं, तो मुझे बताएं फिर ये क्या एक्यूरेट बनेगा सारी अमाउंट? कभी भी नहीं बनेगी, ये अमाउंट फिर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये जिससे मिलकर बननी थी ना वो रिएक्टेंट तो कहीं और भी यूज हो रहा है, तो इस वजह से साइड रिएक्शन की वजह से भी हम एक्यूरेट अमाउंट फाइंड नहीं कर सकते। तीसरी assumption, इसको आप point number 3 दे दें अगर book में mention नहीं है, while doing calculations, calculation we should follow both laws. That is law of definite proportion and law of conservation of mass. हमें इनको फॉलो करना पड़ता है, ये दोनों लॉज केमिस्ट्री की बेस है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था, वहां पर मैंने कहा था 1808 में डाल्टन्स लॉ, तो उससे ऊपर एक बात लिखी थी कि एलिमेंट्स को कंपाउंड में चेंज करते हैं और कंपाउंड्स को वापस एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ इन लॉज को फॉलो करता है। और इन लॉज से क्या मुराद है, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन से मतलब यहां पर एक्यूरेट फॉर्मूला होता है। दैट इज, अगर मैं ये कहता हूं मेरे पास वाटर है तो मैंने इसका फॉर्मूला H2O ही लिखना है, ये नहीं कि मैं H2O2 लिख दूं या H2O3 या मेरी मर्जी, भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम मैं अपनी मर्जी से अरेंज कर दूं, नहीं,
इनके अंदर एक स्पेसिफिक मास होता है, ये उससे मिलते हैं और वो फिक्स रेशियो बाय मास। और ये कंपाउंड की डेफिनेशन ही आपने यही पढ़ी है कि कंपाउंड्स एलिमेंट्स मिलकर बनते हैं और उनमें फिक्स रेशियो बाय मास ही होता है। जैसे आपको याद होगा मैट्रिक में ये बात पढ़ी थी, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो 2 एटम्स का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 एटम का 16 ग्राम है, तो 1:8 से मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देन H2O बनता है। सो डेफिनेट प्रोपोर्शन का आसान अल्फाज में एक्यूरेट या सही करेक्ट उसका फॉर्मूला होना चाहिए। आप अपनी मर्जी का उस कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। और कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितना रिएक्टेंट मौजूद है वो सारा का सारा किसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट में। यानी आप अपने पास से एडिशनली कोई मास ना तो इसमें ऐड कर सकते हैं ना इसे मास को बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने फिजिक्स में ये बात पढ़ी हुई है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब कि मैसेज एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं लेकिन टोटल मास कंजर्व होता है। यानी जो भी रिएक्टेंट मौजूद हैं वही मिलेंगे आपस में और प्रोडक्ट में चले जाएंगे, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ जाएंगे। सो इन दो लॉज को आपने ज़हन में रखकर इसकी कैलकुलेशंस करनी है। आज चूंकि टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा हो रहा है तो सो आज के लिए इतना ही है। स्टोइकोमेट्री को कल हम चलाएंगे विद न्यूमेरिकल, तो अभी हम फिलहाल लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं। हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के पोर्शन की तरफ। जी स्टूडेंट्स,